بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. आठवें नंबर पर जो बीवी अल्लाह के रसूल के निकाह में आई है उनका नाम है जुएरिया बिनते हारिस। जुएरिया बिनते हारिस से निकाह कैसे हुआ इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए। मदीना से 9 मंजिल की दूर पर समुंदर के किनारे एक कबीला रहता था, उस कबीले का नाम था बनू खुजाआ। उसकी एक ब्रांच थी बनू मुस्तलक, वहाँ पर पानी का एक चश्मा भी था जिसका नाम मुरैसी था। उस कबीले के सरदार का नाम था मालिक बिन हारिस बिन अबी ज़रार। तो मुशरिकीन मक्का उस वक्त जो थे वो मदीना के आसपास के कबाइल को अपने साथ मिलाते थे और इस्लाम के खिलाफ भड़काते थे, तो उन्होंने इस कबीले को भी भड़काया, बनू मुस्तलक को भी, और इनको अपना साथ देने के लिए उन्होंने उभारा। चुनांचे इस कबीले ने मदीने पर हमला करने का प्लान बनाया। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने तहकीक की और तहकीक के बाद पता लगा कि बात सही है। चुनांचे शाबान सन 5 हिजरी को अल्लाह के रसूल 1000 सहाबा को लेकर के मदीना से रवाना हुए और इस कबीले का घेराव कर लिया गया। कुछ दिन तक तो इस कबीले ने जो है सरेंडर नहीं किया, उसके बाद सरेंडर कर लिया। और जब सरेंडर कर लिया तो इनका जो सरदार था हारिस बिन अबी ज़रार वो भाग गया और इनके मर्द और औरत कैदी बन करके मुसलमानों के हाथ में आए। तकरीबन 600 या 800 लोग कैद होकर के आए जिसमें औरतें भी शामिल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत को अल्लाह के हुक्म से तकसीम कर देते थे और गिरफ्तार जो गुलाम होते थे, लौंडी होते थे, उनको कैदियों के उनके गाजियों के दरमियान उनको तकसीम कर देते थे। उन्हीं गुलामों और लौंडियों में जो तकसीम हुए थे तो इनके सरदार की बेटी थी जिनका नाम था बर्रा। उनकी शादी पहले मुसाफे बिन सफवान से हुई थी जो इस जंग में मारा गया था। तो अब वो हजरत साबित बिन कैस अंसारी के हिस्से में आई थी, लेकिन बर्रा ने जो वो बेटी थी सरदार की बेटी बर्रा, उन्होंने साबित से तय कर लिया कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी और 19 रुपया सोना मैं अपनी आज़ादी में दूंगी। तो इस्लाम के बारे में उनको बहुत पहले से खबर थी और जब ये जंग हुई और उनका कबीला हार गया तो उनके दिल में ये बात बैठ गई कि अब हमारा जो दौर जाहिलियत का जो निज़ाम है वो अब दम तोड़ रहा है और इस्लाम ही अब अरब में गालिब आने वाला है। तो वो जो है इस्लाम को कबूल कर चुकी थी, वो अल्लाह के रसूल के पास आई। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल के पास वो अपनी मुकातबत के बारे में मदद लेने के लिए आई। तो जब वो दरवाजे पर आई तो हज़रत आयशा कहती हैं, मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत हैं और उनके चेहरे पर एक किस्म की, यानी सरदार की बेटी थी तो एक किस्म का नूर और एक किस्म की रोशनी मैंने उनके चेहरे पर देखी। उसके बाद वो आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं जुएरिया बिनते हारिस, मैं बनू मुस्तलक के सरदार की बेटी हूँ और मेरा मामला आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं साबित बिन कैस के हिस्से में आई हूँ और मैंने अपने बारे में उनसे मुकातबत की है, तो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि इस मुकातबत के बारे में आप मेरी मदद करें। मुकातबत किसको कहते हैं? मुकातबत का मतलब है ग़ुलाम अपने आका से इंस्टॉलमेंट में अपनी ग़ुलामी तय कर लें, इंस्टॉलमेंट में अपनी ग़ुलामी को आज़ाद करने के बारे में एक रकम तय कर लें कि मैं ये रकम आपको इंस्टॉलमेंट में दे दूँगा, इसको अरबी में मुकातबत कहते हैं। तो हज़रत जुएरिया जिनका नाम बर्रा था, उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और मैं इस सिलसिले में आपकी मदद लेना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फहल्लकी इला मा हुवा खैरुन, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर एक सूरत ना बनाऊँ, बताऊँ? कहा कि अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी किताबत की रकम, मुकातबत की रकम दे देता हूँ और मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, क्या तुम तैयार हो? हज़रत जुएरिया रज़ी अल्लाह तआला ने बेसाख्ता कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जब ये बात सहाबा ने सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुएरिया से निकाह कर रहे हैं तो उनके पास जितने कैदी थे सबको आज़ाद कर दिया कि अब तो ये रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हो गए, रसूलुल्लाह के ससुराली रिश्तेदार हैं, हम इनको अपनी कैद में रखेंगे। चुनांचे सारे के सारे लोगों को आज़ाद कर दिया गया और सहाबा कहते हैं, हमने जुएरिया से ज़्यादा बरकत वाली कोई बीवी नहीं देखी कि उनकी वजह से उनकी कौम के 70 या 80 लोग जो मुसलमानों की कैद में आए थे वो सब के सब आज़ाद हो गए।
तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के निकाह में आने वाली आठवीं बीवी हैं और इनको इबादत का बहुत शौक था। इनकी इबादत के शौक का अंदाज़ा सही मुस्लिम की एक हदीस से लगाइए कि हजरत जुएरिया कहती हैं कि सुबह का वक्त था, फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी मेरे पास से गुजरे और ये नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। फिर जब चाश्त का वक्त हो गया और अल्लाह के नबी वापस आए तब भी ये बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा ज़िलत अलल हाल लती फारक्तुकी, ऐ जुएरिया मैं जिस हाल में तुमको छोड़ के गया था उसी हाल में तुम अभी तक बैठी हो, अल्लाह का जिक्र कर रही हो। तो हजरत जुएरिया ने कहा कि हाँ ऐ अल्लाह के नबी, आपने फरमाया लकद قلت بعدك اربع كلمات, ऐ जुएरिया मैंने तो चार कलमात ऐसे कह दिए हैं कि अगर उनको वजन किया जाए तो जो तुम इतनी देर से इबादत कर रही थी उन तमाम इबादत पर वो चार कलमात भारी होंगे। क्या कहा था मैंने? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलमातिही। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं उसकी मखलूकात की तादाद के बराबर, उसकी रजामंदी के बराबर, उसके अर्श के वजन के बराबर और उसके कलमात की रोशनाई के बराबर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलमातिही, ये चार जुमले हैं अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तो ये अंदाज़ा इस हदीस से ये लगाइए कि हज़रत जुएरिया इबादत का कितना शौक रखती थी। इसी तरीके से एक दिन अल्लाह के नबी आए हज़रत जुएरिया के पास, जुमा का दिन था, हज़रत जुएरिया जुमा के दिन रोज़ा रखे हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम आज रोज़ा हो? कहा कि हाँ। हज़रत जुएरिया ने कहा कि नहीं नहीं मैं रोज़ा नहीं हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या तुम कल रोज़ा रखना चाहती हो? कहा कि नहीं कल रोज़ा नहीं रखना चाहती। जुमा का दिन था, हज़रत जुएरिया रोज़ा थी, नबी ने पूछा क्या तुम रोज़ा हो? कहा कि हाँ रोज़ा हूँ। आपने पूछा क्या कल तुम रोज़ा थी? कहा मैंने कल नहीं थी। कहा कल रखोगी? कहा नहीं कल नहीं रखूँगी। तो आपने फरमाया रोज़ा तोड़ दो, यानी जुमा के दिन स्पेशली रोज़ा रखना, नफिल रोज़ा रखना ये मुनासिब नहीं है। अगर आप जुमेरात को रखते हैं तब जुमा को रखिए, आप जुमा को रखते हैं तो साथ में शनिचर को रखिए, अलग से जुमेरात के दिन को रोज़ा रखना और जुमेरात की रात में इबादत करना ये अल्लाह के रसूल से मना किया है। तो ये हज़रत जुएरिया थी। सात हदीसें आपसे मरवी हैं, इसमें से दो हदीसें मुत्तफ़क़ अलैह हैं और आपकी वफ़ात सन 56 हिजरी में मदीना में होती है और आपकी जनाजे की नमाज मरवान इब्ने हकम पढ़ाते हैं और आप जो है बकी के कब्रिस्तान में आपको दफन किया जाए।